तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल मैसेज ऐप के नए अपडेट के बारे में और कमाल के नए फीचर के बारे में जो कि गूगल मैसेज ऐप में एड ऑन किए गए हैं। क्या ये नए फीचर है, कैसे उसको यूज करेंगे, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले जाके आपको अपने गूगल मैसेज को अपडेट कर लेना है। अगर आप नॉर्मल यूजर भी हैं तो भी ये रोल आउट हो चुका है, अगर आप बीटा यूजर हैं तो भी आपको इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट होने के बाद आप देखेंगे जो उसका आइकन है, मैसेज का आइकन पूरी तरह से चेंज हो गया है। अभी आपको डिफरेंट तरीके से आपको ये आइकन मिलने वाला है, तो सबसे पहले आपको इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें कमाल के जो नए फीचर ऐड ऑन किए गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे नए नए फीचर यहाँ पर ऐड ऑन किए गए हैं, वो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे ये अपडेट हो जाए, अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे ऊपर आपको कैटेगरीज दिखाई देंगी, यहाँ पर आप देखेंगे ऑल कैटेगरीज, पर्सनल, ट्रांजेक्शन, ओटीपी और ऑफर्स वाले सब आपको एक एक करके यहाँ पर सब आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सब ऐसा मिलेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और किया गया है, अगर आप यहाँ पर किसी को कोई मैसेज भेजते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी वीडियो को, आप यहाँ पर जो भी आप किसी को मैसेज भेजते हैं आप उन वीडियो को आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर किसी को यूट्यूब का लिंक भेजेंगे तो आप उन वीडियो को डायरेक्टली आप मैसेज के अंदर देख सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की, दूसरी ऐप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी ऐप में जाकर भेज सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला अपडेट तो यही दिया गया है, तो सबसे पहला अपडेट यही है। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो अपडेट है यहाँ पर ये है कि अगर कोई आपको आईफोन यूजर कोई आपके मैसेज पर रिएक्ट करता है तो वो आपको इमोजिस के रूप में मिलने वाला है। आपको एक इमोजिस मिलेगा कि उसने वहां पर आपके मैसेज पे कोई रिएक्ट किया है। तो उसको इनेबल करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा, थ्री डॉट पे यहाँ जाना है मैसेज सेटिंग पे। मैसेज सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है एडवांस वाले ऑप्शन पे। एडवांस में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा शो आईफोन रिएक्शन एज इमोजिस, तो आपको इसको ऑन करके रखना है। तो सेकंड अपडेट ये। उसके बाद दोस्तों थर्ड जो चेंजेस दिया गया वो है यहाँ पर स्वाइप को लेके। यहाँ पर आपको दो स्वाइप के ऑप्शन मिल गए हैं, स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट। स्वाइप लेफ्ट मतलब कि आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं कि जब भी आप स्वाइप लेफ्ट करें या राइट करें तो क्या एक्शन हो और कैसे उसको ऑन करें। तो उसके लिए भी वापस आपको यहीं जाना है मैसेज सेटिंग पे। मैसेज सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाएंगे, नीचे की तरफ स्वाइप एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो भी कस्टमाइज करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर स्वाइप लेफ्ट में डिलीट डाल रखा है, तो जैसे ही मैं यहाँ करूँगा तो डिलीट का ऑप्शन हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। अगर मैं स्वाइप यहाँ पर करूँगा तो अचीव में चले जाएगा और केप वाले फोल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिल गई है, आप कोई भी मैसेज को यहाँ पर स्टार कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। आप जैसे मान लो कोई मैसेज है तो मुझे यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ पर फेवरेट में भी डाल सकता हूँ, जिसको इजीली मैं यहाँ से एक्सेस भी कर पाऊंगा स्टार्ट करके। तो ये यहाँ पर भी नया फीचर दिए गए। उसके बाद और भी नए फीचर दिए गए हैं, वो है लाइक ऐसे आप यहाँ पर मैसेज सेंड कर पाएंगे। वहाँ पर लाइक अगर आपने किसी को कोई मैसेज भेजा hi@8pm, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आप इसको कैलेंडर में डायरेक्टली सेट कट आउट कर सकते हैं एक रिमाइंडर के रोड में। अगर आप लोग किसी ने भेजा है या आपने किसी को भेजा है तो आप ऐसा रिमाइंडर उसको सेट आउट कर सकते हैं, उस टाइम पे आपको एक अलार्म रिवाइंड हो जाएगा। एक चीज़ और, इसमें और बहुत सारे इमोजेस को एड ऑन किए गए, आप देखेंगे इसमें बहुत सारे आपको इमोजेस एड ऑन करे हुए मिल जाएंगे इस अपडेट्स के बाद। और साथ में अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और दे दी गई है, अब यहाँ पर आप वॉइस मैसेज भी किसी को भी भेज सकते हैं। लाइक मुझे कुछ भी भेजना है तो मैंने यहाँ पर मैसेज को रिकॉर्ड करा और डायरेक्टली मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगा, तो वॉइस मैसेज भी यहाँ पर आप किसी को सेट आउट कर सकते हैं। साथ में आप प्लस पे क्लिक करके शेड्यूल मैसेज भी कर सकते हैं कि आप इस मैसेज को कब सेट करें। लाइक किसी को बर्थडे विशेज, एनिवर्सरी विशेज या कोई विशेज करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट जाइए, यहाँ डेट पे जाइए, कब डेट का चाहिए, कितने बजे का टाइम का चाहिए, आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे तो उतने बज के उतने मिनट पर वो मैसेज जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो वहाँ पर शेड्यूल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर शेड्यूल मैसेज भी कर सकते हैं। तो यही नए अपडेट्स है जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है सो मेरी कुछ कमी है तो वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों।